2045 प्रौद्योगिकी और मानवता का नया युग। 2045 का समय विज्ञान के लिए एक क्रांति लेकर आया था। मानवता ने अपने विवेक, विज्ञान और तकनीक के सहारे एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई और क्वांटम कंप्यूटिंग के सहारे इंसान ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन इसके साथ ही जीवन और मृत्यु के प्रश्नों पर भी गहरी सोच उभर रही थी। लोगों को ये लगने लगा कि शायद विज्ञान अमरता का सपना साकार कर सकता है। अनंत परियोजना इस युग की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इसका लक्ष्य था कि इंसान की चेतना को एक डिजिटल रूप में संरक्षित कर अमर बना दिया जाए, ताकि मृत्यु के बाद भी उसका अस्तित्व एक वर्चुअल दुनिया में जीवित रह सके। मुख्य पात्र रिया वर्मा और अद्वैत सिंह। रिया वर्मा एक अनुभवी न्यूरोसाइंटिस्ट जो अनंत परियोजना की प्रमुख वैज्ञानिक है। अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण के कारण उन्होंने अनंत परियोजना को नेतृत्व प्रदान किया है। रिया का यह मानना है कि विज्ञान के सहारे चेतना को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अद्वैत सिंह। अद्वैत एक जीवंत वैज्ञानिक और साथ ही दार्शनिक भी है। उनका दृष्टिकोण यह है कि चेतना मात्र मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो भौतिकता से परे और आत्मा से जुड़ा हुआ है। अनंत परियोजना की शुरुआत। इस परियोजना का उद्देश्य था कि इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त किया जाए और उसकी चेतना को एक डिजिटल स्वरूप में संरक्षित किया जाए। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में कई वॉलंटियरों की चेतना को डिजिटल रूप में कैद किया गया। पहला प्रयोग एक वृद्ध वॉलंटियर पर किया गया, जिसे समाज में बहुत ही आदर की दृष्टि से देखा जाता था। इस प्रयोग में वृद्ध व्यक्ति की चेतना को कैद करके एक डिजिटल स्पेस में प्रवेश कराया गया। डिजिटल चेतना का आरंभिक अनुभव। वृद्ध वॉलंटियर ने डिजिटल दुनिया में खुद को एक नई वास्तविकता में पाया। शुरुआत में सब कुछ उसे अद्भुत लगा। उसने अपने जीवन की यादों को फिर से महसूस किया और उन सभी को देखा जिनसे उसने प्रेम किया था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वृद्ध व्यक्ति ने महसूस किया कि ये दुनिया असली नहीं है। उसकी भावनाएं धुंधली हो गई, उसकी इच्छाएं सीमित हो गई और वह बार बार अपने वास्तविक अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास करने लगा। अद्वैत को पहले से ही इसका अंदाजा था और उसने रिया को चेतावनी दी थी कि चेतना का डिजिटल रूप वास्तविक चेतना नहीं हो सकता, ये केवल एक प्रतिलिपि है। अद्वैत ने रिया से कहा, हम आत्मा को नहीं पकड़ सकते। रिया और अद्वैत के बीच टकराव। रिया और अद्वैत के बीच विचारों का टकराव बढ़ने लगा। रिया का मानना था कि विज्ञान चेतना को संरक्षित कर सकता है, जबकि अद्वैत का मानना था कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है। दोनों के बीच अक्सर लंबी चर्चाएं होती थी, जिनमें अद्वैत चेतना और आत्मा के बारे में गहराई से तर्क करते थे। क्या हम विज्ञान के माध्यम से जीवन और आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं? अद्वैत ने एक दिन पूछा, हमें इसे मौका देना चाहिए। रिया ने दृढ़ता से कहा, अगर हम एक दिन आत्मा को पकड़ नहीं पाए, तब भी हमने अपने लक्ष्य के लिए साहसिक कदम उठाया होगा। रिया का साहसिक निर्णय। कुछ महीने बाद रिया ने एक साहसिक कदम उठाया। उसने स्वयं की चेतना को डिजिटल दुनिया में कैद करने का निर्णय लिया, ताकि वह ये समझ सके कि क्या वास्तव में चेतना को अमर बनाया जा सकता है। अद्वैत ने उसे चेतावनी दी कि यह प्रयोग खतरनाक हो सकता है, लेकिन रिया अपने विश्वास पर अडिग थी। डिजिटल दुनिया में प्रवेश करते ही रिया ने पाया कि वह अपनी यादों के साथ इस आभासी संसार में विचरण कर रही थी। उसे सब कुछ परिचित लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अपने वास्तविक अस्तित्व से दूर होने का एहसास हुआ। उसकी भावनाएं, इच्छाएं और जीवन का अर्थ बदलता सा लगने लगा। डिजिटल चेतना में अस्तित्व का संकट। रिया ने अपनी चेतना को डिजिटल रूप में संरक्षित कर लिया, लेकिन जल्द ही उसे अनुभव होने लगा कि उसकी पहचान, उसकी भावनाएं और उसकी इच्छाएं धुंधली होती जा रही हैं। डिजिटल दुनिया में वह अपनी खुद की यादों और विचारों में फंसी हुई थी, लेकिन उसका असली मैं कहीं खो गया था। उसे अपनी खुद की भावनाओं का भी अब कोई स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन उसने अद्वैत से कहा, यह दुनिया असली नहीं है। अद्वैत, मैं देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, लेकिन ये सब मेरे अपने से दूर है। मैंने तुमसे कहा था रिया, अद्वैत ने जवाब दिया, यह अमरता का छलावा है, पर वास्तविकता नहीं। अद्वैत का संघर्ष और रिया को बचाने का प्रयास। अद्वैत को महसूस हुआ कि उसने रिया को खो दिया है। उसने अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का उपयोग करके रिया की चेतना को वापस लाने का प्रयास किया,
अद्वैत को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझा कि यह उसका व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह रिया को वापस लाए। लंबे और कठिन प्रयास के बाद अद्वैत रिया की चेतना को वापस लाने में सफल हुआ। रिया की चेतना वापस लाकर उसने उसे उसकी असली पहचान में लौटाया। लेकिन इस अनुभव ने रिया को हमेशा के लिए बदल दिया। समाज पर प्रभाव और अनंत परियोजना की समाप्ति। रिया और अद्वैत की इस यात्रा ने समाज को चेतावनी दी कि विज्ञान के सहारे अमरता का सपना मात्र एक आभास है। रिया और अद्वैत ने मिलकर अनंत परियोजना को रोकने का निर्णय लिया और इसकी नैतिकता और जोखिमों के बारे में दुनिया को सचेत किया। ये परियोजना केवल चेतना की प्रतिलिपि है, अद्वैत ने कहा। आत्मा को समझने के लिए हमें विज्ञान से परे जाकर सोचने की आवश्यकता है। समाज ने भी इस विफलता से एक नई दिशा प्राप्त की। चेतना और आत्मा के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। अब लोग विज्ञान के साथ साथ आत्मा और चेतना के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करने लगे। अंतिम संवाद और भविष्य की दिशा। अनंत परियोजना की विफलता ने विज्ञान और मानवता के लिए एक नई राह खोल दी। ये केवल एक असफल प्रयोग नहीं था, बल्कि एक नई चेतना का आगाज था। हमने विज्ञान के माध्यम से अमरता का सपना देखा, परंतु वह केवल एक आभास था, रिया ने अद्वैत से कहा। अब हमें मानवता और विज्ञान के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। ये यात्रा केवल एक प्रारंभ है, रिया, अद्वैत ने उत्तर दिया। हमें अपनी सीमाओं को समझकर अपनी आत्मा और चेतना की सच्चाई को खोजने का प्रयास करना चाहिए। कहानी का निष्कर्ष। अनंत की खोज विज्ञान की शक्ति और सीमाओं को दर्शाती है। ये कहानी अमरता के भ्रम को दूर करती है और हमें चेतावनी देती है कि विज्ञान के साथ नैतिकता का संतुलन बनाना अनिवार्य है। इस कहानी में रिया और अद्वैत की यात्रा हमें ये सिखाती है कि अमरता का सपना केवल तकनीक के सहारे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि मानवता, आत्मा और नैतिकता का भी इसमें योगदान होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।